क्योंकि तो प्रवक्ता तो बंदा रहता है पार्टी लाइन से, क्या ये प्लान बी बना है क्या? मजबूरी मेरी नहीं होती है। हाँ नहीं, सबकी होती है अखिलेश जी, कि अगर कोई ये प्लान बी कोई बना है क्या, कि अगर राहुल गांधी की सीट नहीं बच पाती है, क्या प्रियंका गांधी के नाम पर विचार हो रहा है क्या वायनाड से? अखिलेश जी, मानक जी एक चीज जान लीजिए, जिस दिन राम का वनवास हुआ था ना, उसी दिन रावण का नाश भी तय हो चुका था। अहंकारी रावण का नाश भी उसी दिन तय हो गया था। तो आप सदन में बोलने से तो रोक सकते हैं, रोक दिया, सड़क पे बोलने से आप नहीं रोक सकते। और देश का सवाल, देश की बात राहुल गांधी और हर गांधी और हर कांग्रेसी करता रहेगा। बात यह है कि अगर कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो चोरी उस चोर की चौकीदारी क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों इतने स्पेसिफिक सवाल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में लगाए? पहले, इसके पहले जो अभी सदन वित्त बजट तब रखा गया, उस समय भी, इसके पहले भी, देश कोई लूट ले, पूरी धन संपदा आपके हवाले कर दिया जाए और पूरे देश से ओपन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं कि किस तरह से पैसे, अथाह पैसे, इलीगल पैसे इस देश में किसी उद्योग में आ रहे हैं, किसी उद्योगपति की आर पास आ रहे हैं, और सवाल सरकार से किया जाए कि ये प्रूफ है, सरकार इसमें क्या कर रही है, तो उसका जवाब नहीं चाहिए क्या देश को? आज भी राहुल जी ने बड़े स्पेसिफिक सवाल लगाए हैं। वो है वो जो फर्जी कंपनियां हैं, जो हेवन कंट्रीज से पैसे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने, अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया हमारी बीजेपी की बहना ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा तमाचा मारा, कहा यह बंद लिफाफा नहीं चलेगा। आप कहते हो कुछ नहीं हुआ है, लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों का डूब गए, अब बंद लिफाफा चल रहा है। वो बंद लिफाफा अंडर द टेबल वाला गांव में कहावत है, बंद लिफाफा पकड़ा दिया, अधिकारी ने काम कर दिया। गांव में, छोटे छोटे कस्बों में कहते हैं ना, थाने तहसील के मामले में। तो ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप उसकी रखवाली क्यों कर रहे हो? आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों हम देश लूटने दें, चोर को चोर न कहें? और चोर को जो रखाता है, या चोर का जो माल खपाता है, या चोर का जो साथ देता है, क्या वो गुनाहगार नहीं होता है क्या? या वो चोर नहीं होता है क्या? भाई चोरी का माल किसी घर पकड़ा जाता है, या चोर की चोरी में जो मदद करता है, उस पर भी तो वही कानून लगा लगता है, उसे भी उसी चोरी के साथ ही बराती में बंद किया जाता है। तो आप जो हिंदुस्तान की जो हालत कर रहे हैं, अभी एक दो घंटा पहले मैं ट्विटर पे देख रहा था, किसी वकील ने ट्वीट किया है, उन्होंने भी संभावना व्यक्त की है कि जब से ये कानून बना है डिफेमेशन वाला, अंग्रेजों के समय से, वो कह रहे हमने सबसे फोन करके पता कर लिया, संभवतः यह पहला केस है जिसमें जो मैक्सिमम सजा है वो सुनाया गया जब से यह कानून बना। हमें भी नहीं पता, हमारे दो विद्वान वकील बैठे हैं, हो सकता है किसी को इतनी सजा मिली हो, कि पहली बार है कि मैक्सिमम सजा किसी को मिली है। मैंने ट्विटर पे अभी किसी वकील का देखा था कि असंभवतः उन्होंने यह भी लिखा है कि 150 साल पुराना शायद यह कानून है। तो यह है राहुल जी के साथ, इतने का लोगों पे फैसले हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम ये भी संयोग है कि प्रयोग है, हमें नहीं पता। तो जो मनसा है कि कोई हमसे प्रश्न ना करे, हमारे ऊपर कोई सवाल ना खड़ा करे, हम जो चोरों की चौकीदारी कर रहे हैं उस पे कोई आवाज ना उठाए। अखिलेश जी आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे कांग्रेस? लूटने दो, आप सब खामोश रहे। सड़क पे रोक तो नहीं रोक सकते ना, सदन में रोक सकते हैं,
सड़क पे तो नहीं ना रोक सकते हैं, आवाज हम उठाते रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं 2014 के बाद से ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट टू है। ओके okay.